ये देख सकते हैं बॉम्बे सेंट्रल जंक्शन मुंबई का। यहाँ पे बहुत सारी ट्रेन्स ये होती है लगती है अराउंड। और अभी हम लोग निकले हैं वनसाड़ एक्सप्रेस से। ये देख सकते हैं एक्सप्रेस वनसाड़ है जो डबल डेकर ट्रेन है। और वहाँ और ट्रेन जो लग गई अभी वो यार्ड में खड़ी है। ये पूरा यार्ड है मुंबई सेंट्रल का। बड़ी बड़ी इमारतें आपको दिखेंगी मुंबई में, ये तो खासियत है मुंबई की। यहाँ से लोकल भी अराउंड जा रही है, ये लोकल ट्रेन है। सेम एक साइड से लोकल दूसरी साइड से ये चलते हैं अराउंड। तो ऐसे ये देखिए और लोकल, बहुत मज़ा आता है। ये बड़ी बड़ी इमारतें, ये सारी चीज़ें आपको मुंबई में ही देखने को मिल सकती है। देखिए ट्रेन, पूरा जंक्शन गया पीछे। देखो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको मुंबई में ही देखने को मिल सकती है। और भी लोकल देखो, वो अभी लोकल गए, दूसरे लोकल यार्ड जो है ना उसमें खड़ी है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको इधर ही देखने को मिलेंगी। बहुत बड़ा यार्ड है, यहाँ से वेस्टर्न लाइन पे ट्रेन जो है वो जाती है। अभी एक महालक्ष्मी करके एक छोटा स्टेशन आएगा जहाँ पर सिर्फ लोकल रुकती है। और ये व्यू जो है, मैं आपको वनसाड़ एक्सप्रेस जो डबल डेकर है, मतलब जो ब्रिटिश थे उनके ड्यूरेशन में ये बनाई गई थी ट्रेन, तब से अभी भी चल रही है। अभी ट्रेन तो आपको मतलब ऐसे जब पूरी गोल राउंड ट्रेन होगी तो मैं आपको दिखाऊंगा ट्रेन, ठीक है। यहाँ आगे का है और यहाँ पीछे का व्यू है, लेकिन ट्रेन पूरी गोल नहीं हुई अभी तक, होगी तब आपको दिखाया जाएगा। एसी लोकल भी यहाँ आई है, एसी लोकल भी है। ये पूरी तरह से एसी लोकल रहती है, इसमें पूरी एसी पैक रहती है लोकल। इसमें भी बहुत अच्छा मज़ा आता है। कभी मैं इसका भी आपको वीडियो बना के ये करूँगा। बहुत अच्छा व्यूज़ है एसी लोकल का। ऐसे बहुत सारी अच्छी ट्रैवलिंग आपको मुंबई सिटी में ही देखने को मिलेगी। अभी हमारी ट्रेन जो है बहुत स्लो चल रही है। अलग अलग तरीके की ट्रेन आपको यहाँ से, फिर से एक लोकल भी जा रही है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग व्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे। देखो यहाँ से एक लोकल जा रही है, ये देखो। तो ऐसे व्यूज़ आपको इधर ही मिलेंगे। हो सकता है कि ये कैमरा भी मेरा लेके जाए, ऐसा भी होता है बहुत बार मुंबई में, कोई भी कैमरा भी खींच के लेके जाता है, ऐसा भी होता है। जो नए लोग हैं उनको सेफ रहना। पर देखिए कितनी भीड़ है, ये महालक्ष्मी स्टेशन अभी हम लोगों ने क्रॉस किया, यहीं पर इतनी भीड़ है। वो भी स्टेशन ख़त्म हो चुका है। अभी हम लोग जो है महालक्ष्मी को क्रॉस करके, ये देखो महालक्ष्मी पूरा गया, दिखाऊंगा। ये देखो ट्रेन तो चल रही है लेकिन बहुत ऊंची इमारत है, ये ट्रेन से दिख नहीं रहा है। ओ मैं थोड़ा नीचे बैठता हूँ। ओहो हाँ, अभी दिखेगी, अभी दिखे, अभी तो ऐसे बहुत। ये भी देखो, ये भी बहुत बड़ी है। ये देखो इसमें भी आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, तो कुछ अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। नीचे बैठ के भी पूरा नहीं होगा। ये देखो, ये देखो पूरा नहीं हो रहा है, मतलब इतना बड़ा बड़ा जो है टावर मुंबई में ही आपको देखने को मिलेगा। और ये कैमरे का वगैरह थोड़ा मुझे भी डर लगता है, क्योंकि कैमरा यहाँ वहाँ हो सकता है, तो थोड़ा डर रहता ही है। देखो बिल्डिंग है कितनी बड़ी है। फिर से वहाँ से लोकल भी जा रही है। देखो इसमें अभी बोगी में कोई नहीं है, मैं अकेला ही हूँ और इस बोगी में अभी ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, कोई नहीं है इधर, ठीक है। ये पूरा खाली बोगी है और खाली ही ऑलमोस्ट ये रहता है, यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है, ठीक है। और एक बड़ी बड़ी बिल्डिंग आ रही है जो दादर का निशाना है, मतलब ये बिल्डिंग आई तो समझ लेगा कि अभी दादर आ रहा है। ये सिग्नल्स वगैरह जा रहे हैं। मैं भी ये वीडियो वगैरह थोड़ा संभाल के ही निकालता हूँ दोस्तों, क्योंकि देखो यहाँ से स्टेशन आया, यहाँ भी बहुत भीड़ रहती है। लोअर पलेरा भी जा रहा है, ये तीन नंबर है ना, तो एक नंबर दो नंबर पे स्लो लोकल आती है, तो उधर बहुत भीड़ रहती है। ये यहाँ नहीं रहेगा, ये तीन और चार नंबर है, तो एक नंबर और दो नंबर में बहुत भीड़ रहती है, ठीक है। अब
वैसे भी आज ईद का दिन है तो छुट्टी भी है, तो बहुत सारे ऑफिसेस बंद रहते हैं, तो फिर भी बहुत भीड़। मैं आ रहा था महालक्ष्मी से, तो बहुत भीड़ मैंने देखी। आपको दादर में बहुत भीड़ देखने को मिली? दादर में बहुत भीड़ देखने को मिली। और यहाँ मैं रहता हूँ लोअर परेल में, तो यही वो ये जगह है जहाँ मैं रहता हूँ। ठीक है, हो सकता है हमारी बिल्डिंग भी यहाँ से आपको दिखाई देगी। कोई भी कैमरे को छीन के लेके जाता है ऐसा बहुत बार होता है। मेरा ट्रेन थोड़ा स्लो चल रहा है क्योंकि दादर के पहले जो ट्रेन चलती है वो बहुत स्लो चलती है ऑलमोस्ट, क्योंकि सिग्नल क्रॉस करने होते हैं बहुत सारे। तो देखो रेड सिग्नल ही है ऑलमोस्ट इसमें, तो थोड़ा संभाल के चलना पड़ता है ट्रेन। दादर का व्यू जो है मैं आपको वो डोर में से मतलब विंडो में से दिखाऊंगा मे भी, क्योंकि बहुत भीड़ इकट्ठा आ जाएगा तो फिर मेरा कैमरा थोड़ा ये है तो ये कुछ दिक्कत हो सकती है। फिर थोड़ा डोर में मैं ये देखो, ये भी ऊँची ऊँची इमारतें हमारे बिल्डिंग के आसपास का ही नज़ारा है यहाँ से। ये अभी प्रभा देवी करके स्टेशन जा रहा है, इधर भी बहुत भीड़ रहता है बहुत, इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। अब आज ऑफिस का दिन नहीं है इस वजह से भीड़ थोड़ा कम है, इधर बहुत भीड़ लगा रहता है, पूरा भीड़ ही लगा रहता है। और ये ऐसा स्टेशन है जो सेंट्रल और वेस्टर्न को जोड़ता है दोनों को, स्लो लोकल से दादर जो है वो फास्ट लोकल से जोड़ता है। यहाँ आपको परेल स्टेशन दिखाई देगा, परेल करके है जो सेंट्रल लाइन का है और प्रभा देवी जो है वो वेस्टर्न लाइन का है। ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत भीड़ है लेकिन आज ऑफिस क्लोज है। यहाँ एक गाड़ी आ रही है आपको दिखाई देगी, तो ये जो गाड़ी है ये शाम के समय कहीं ना कहीं पर चलाई जाएगी। ये देखो एक लोकल भी है, बहुत तेज आ रहा है, इतने तेज आ रहे हैं कि मेरे कैमरे में भी ये नहीं दिख रहा है, कैमरे में भी मेरे नहीं दिख रहा है इतनी तेज जो है वो गाड़ी आ रही है। तो ऐसा अच्छा व्यूज़ आपको इधर ही देखने के लिए मिल सकता है मुंबई में। अभी दादर स्टेशन आ रहा है फाइनली, दादर स्टेशन जो है वो फाइनली आ रहा है। दादर स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे ये गाड़ी आएगी, तो 4 पे भी कभी कभी जाती है अगर ट्रेन है। ये देखो दादर स्टेशन आया है अभी, बहुत भीड़ है इधर, ऑफिस फिर दिख नहीं रहा है, बहुत भीड़ है। विंडो में से आपको अच्छे से नहीं दिख रहा है शायद, लेकिन बहुत भीड़ है, तो कोई अगर पूरा आता है डायरेक्टली तो मुझे तकलीफ होगा। तो ठीक है, तो आज का जर्नी इतना ही। देखो ऐसी भीड़ रहती है इधर, इतने सारे लोग इस मेल में चढ़ने के लिए तैयार है, देख सकते हैं ऐसे बहुत सारी भीड़ लगी रहती है पूरे इसमें। मैं डोर की तरफ नहीं गया क्योंकि मोबाइल और कैमरा का थोड़ा रिस्क रहता है और मैं अकेला ही हूँ तो मैं रिस्क नहीं उठाना चाहता। ठीक है, तो ये भीड़ अभी ख़त्म हुई है फाइनली, अभी बहुत सारे लोग इधर आएंगे। ठीक है।